बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया गया और जब से रिजल्ट आया है कहीं टॉपर्स की चर्चा हो रही है तो कहीं कम नंबर वाले छात्र क्या करें इस बात की। लेकिन हम आपको बताते हैं उन कैदियों के बारे में जिनके नंबरों ने लोगों को चौंका दिया है। बात हो रही है शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर जेल के 7 कैदियों ने यूपी बोर्ड के एग्जाम दिए थे। कैदियों ने जेल में रहकर ही तैयारी की और बरेली जेल में सेंटर पड़ा तो वहां एग्जाम दिया। अब रिजल्ट आया तो देखने वाले हैरान रह गए। 7 के 7 कैदी फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। इनमें से कुछ के तो 75% से ज्यादा अंक हैं। 7 में से 4 कैदियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी और 3 ने 12वीं की। यहां आपको ये भी बता दें कि इनमें से 3 कैदी मर्डर केस में बंद हैं, 2 कैदी रेप के केस में बंद हैं और 2 अन्य मारपीट जैसे मामलों में। जेल सुपरिटेंडेंट मिजाजी लाल ने कैदियों के बारे में डिटेल में बताया। मिजाजी लाल ने बताया कि उनकी जेल में बंद ये बंदी विशेष रूप से पढ़ाई में रुचि रखते थे, इसलिए बंदियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था। जेल में उनसे और कोई काम नहीं कराया गया। इसी का परिणाम है कि आज इन बंदियों ने शाहजहांपुर जेल का नाम यूपी में रोशन किया है। सुनिए मिजाजी लाल की पूरी बात। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के घोषित परीक्षा परिणामों में से शाहजहांपुर जेल के सभी बंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में 4 बंदी और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3 बंदी सम्मिलित हुए थे, जिनका परीक्षा केंद्र केंद्रीय कारागार बरेली निर्धारित था, जहां सभी बंदियों ने जाकर के परीक्षा दी और सभी बंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें से कुछ बंदी विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कैदियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरी जेल में खुशी का माहौल है। जब शनिवार को रिजल्ट सामने आया तो जेल सुपरिटेंडेंट मिजाजी लाल ने जेल में मिठाई भी बंटवाई। बता दें कि प्रदेश में कई जेलों में ऐसे कैदी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे कैदियों को जरूरत पड़ने पर एग्जाम देने की व्यवस्था भी कराई जाती है। अब शाहजहांपुर जेल से जो रिजल्ट सामने आया है वो सुखद बदलाव के संकेत दे रहा है। परीक्षा फल आने के बाद पास हुए बंदियों और जेल स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी UPMSP ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट शनिवार को दोपहर 2 बजे जारी किए थे। इसमें 10वीं की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया। साल 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए 55,25,308 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें 29,47,311 छात्र हाई स्कूल के थे, वहीं 25,77,997 छात्र इंटरमीडिएट के। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म।